हेलो गाइस, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था आज कुछ भी वीडियो शूट करने का क्योंकि काम में बहुत बिजी थी। तो यहाँ पे दीदी और बंस आए हुए थे तो उर्स के लिए, और बंस का बर्थडे आ रहा है तो कपड़े वगैरह लेने के लिए। यहाँ पे ना मैंने ये आलू उबाल लिए थे तो इससे ना पेस्ट बनाएंगे आलू प्याज का टिक्की में फिल करने के लिए। बाकी इसको तो अभी बॉईल करते हैं अच्छे से, इमली और लाल मिर्च को, तो इसका है ना अच्छे से कलर आ जाएगा इसमें और काफ़ी प्यारा टेस्ट आएगा। तो अभी मैं फटाफट से ये सारा कुछ काम कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे अभी मैं लगा रही हूँ टिक्की का आटा, और इस तरीके से आटा लगाने से ना, ये मैंने सूजी ली हुई है लेकिन इस बार मैंने सूजी और थोड़ी सी मैदा ऐड की हुई है। तो अब देखती हूँ इस बार की टिक्की कैसी बनती हैं। अभी तो मैं फ़िलहाल मैं ये आटा लगा के रख दूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी टिक्की का पानी। तो बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पे मैंने आज फुल्की बनाई हुई थी तो यहाँ पे मेरी बहुत प्यारी फुल्की बन के रेडी हो गई थी। मैंने सोचा जब तक दीदी आ रही है तब तक मैं ये कर लेती हूँ। सारी फुल्की बन के रेडी हो गई है, और ये आलू का मसाला और ये पानी, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और अब हम लोग यहाँ पे मैं और परी खा रही हूँ, तो कैसी लग रही है परी? तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी से खाते हैं। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है कमेंट में जरूर बताना। अभी हम लोग आए हुए हैं मार्केट, और हम लोग आए हुए हैं बंस की बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए, तो दिखाते हैं कहाँ जाना है। अभी ज्यादा लेट हो गए हैं, देख रहे हैं, देखते हैं कोई शॉप खुली है कि नहीं। चलो चलो, उसके बाद हम लोग आए बंस को कपड़े दिलाने के लिए। तो यहाँ पे ना यहाँ का कलेक्शन काफ़ी प्यारा लगा, तो बंस के लिए यहाँ से हम लोग कपड़े ले रहे थे और वो बहुत प्यारे प्यारे कपड़े भी दिखा रहे थे। और यहाँ पे बंस की मस्ती चल रही थी तो यहाँ पे हम लोगों ने बंस को कपड़े लिए। और ये देखिए मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कितना प्यारा कलेक्शन है यहाँ पर, तो मुझे तो काफ़ी प्यारी लगी। और हम लोगों ने यहाँ से ले भी लिए थे बंस को कपड़े। कपड़े लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ उर्स में आ गए थे, तो हम लोगों ने यहाँ से कुछ नहीं लिया, बस घूमने के लिए बंस को झूला झुलाने के लिए ही लेके आए थे। तो हम लोगों ने झूला ही झूला, बाकी कुछ लिया नहीं क्योंकि इतनी भीड़ थी और लेने लायक कुछ ऐसा था नहीं कि मार्केट में सब कुछ ही मिल जाता है। इसीलिए मैं कल भी गई थी तब भी कुछ लेके नहीं आई थी, घूमने ही गई थी। तो यहाँ पे इस झूले पे हम लोग झूलने वाले थे और बहुत मज़ा आया इस झूले पे ना। तो मैं और बंस दीदी तीनों झूले थे, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये तीनों हम तीनों एक ही उस पर बैठे हुए थे, काफ़ी मज़ा आ रहा था। ये देखिए ऊपर से कितना प्यारा लग रहा है। हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए और रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। यहाँ पे हम लोगों को 12 बज गए थे, बट ये मानो कि आनंद भोजनालय खुली हुई थी तो हम लोग यहाँ आए थे। और यहाँ का खाना काफ़ी टेस्टी लगता है हम लोगों को, तो हम लोग ने यहाँ से खाना खाया। फिर उसके बाद ये देखिए बंस स्पाइडरमैन लेके आया था गन वाला, तो कितना प्यारा लग रहा है स्पाइडरमैन। और दीदी के जाने की बारी आ गई थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी, वो लेट तो आई थी, वो 8-9 बजे तो आई थी, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था हम लोगों को। और ये देखिए कितना प्यारा, मतलब कितना प्यारा स्पाइडरमैन मिला है बंस के लिए गन वाला, तो बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने इसकी वीडियो भी बना ली। और ये बंस का बैग जो कि कुछ दिन पहले मेरे पास रुकने के लिए आया था वो। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 9, मैं उठ के मतलब 8 बजे उठ गई थी। तो अभी मैं ब्लॉग ही एडिट कर रही थी तो मैंने उसमें देखा कि मैं ब्लॉग को एंड करना तो भूल ही गई। तो गाइस आप लोगों को आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करो कि आप लोगों को कैसा लगता है ब्लॉग, क्योंकि ना इससे ना मुझे समझ आ जाता है कि अच्छा ब्लॉग बना है कि नहीं बना है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताया करो कि मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं आप लोगों को, ब्लॉग कैसा लगता है और किस चीज़ पे वीडियोस बनाएं, तो ये आप लोग ज़रूर बताएं। तो अब नेक्स्ट वीडियो उसी पर मैं डालूँगी। तो आप लोग बताती नहीं हो कि मैं किस चीज़ पर वीडियोज़ बनाऊँ, तो मुझे जो समझ में आता है मैं वो बना लेती हूँ। तो बाय बाय गाइस, इस ब्लॉग को करते हुए यहीं एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।